सीन ये है कि पापा और बुआ गए हैं ऊपर मंदिर पे और मैं और भाई नीचे वेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी फोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, चप्पल वगैरह, तो हम लोग नीचे वो सब लेके बैठे हैं पर्स वगैरह उनके, और ये ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। और वो लोग जब दर्शन वर्शन करके आ जाएंगे तब हम लोग ऊपर चल जाएंगे। तो अभी का यही सीन है, बट ये जगह बहुत सही है, अच्छा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ी वाइब अच्छी है। पापा वगैरह आ चुके हैं, अब हम जाते हैं और अंदर चलते हैं। ये भी डाल लो, ये भी है, और बुआ की चप्पलें भी है अंदर। यही आओ तो अंदर भी चल जाएंगे, अंदर अच्छा गोमती का रिवर फ्रंट है, बढ़िया। तो अब हम लोग आ चुके हैं नीचे दर्शन वगैरह सब करके, और ऊपर बहुत ही अमेजिंग मंदिर था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अंदर जाके वो इतना ज्यादा अमेजिंग होगा, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ब्यूटीफुल था। अब हम लोग जा रहे हैं कहीं रूम वगैरह देखेंगे, वहीं आज रात स्टे करेंगे, और फिर कल एक यहीं पे दूसरा प्लान है, वो कल दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। फिलहाल के लिए पियेंगे गन्ने का रस और फिर जाएंगे सुदामा सेतु वाले ब्रिज पे और फिर वहां से रूम में। तो अभी हम लोग आए हैं सुदामा सेतु ब्रिज पे। यहाँ आने का 20 रुपए या कुछ टिकट लगता है। बेसिकली ये गोमती रिवर के ऊपर का फ्रंट है, तो उसके ऊपर एक ब्रिज बनाया हुआ है, सुदामा सेतु ब्रिज। तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं सुदामा ब्रिज, और अब वहाँ जाके पूरा सी बीच है, बेसिकली अच्छा बीच है, रेतीला वाला। वहाँ कैमल राइड्स भी चल रहे हैं, तो बीच देखने से बहुत ज्यादा सुंदर वाला लग रहा है। तो सी बीच पे तो हम जाने नहीं वाले यार, वो बहुत दूर है, और अब इतनी हिम्मत है नहीं वहाँ जाने की, क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक गए आज। बट दिस इज द्वारका, वो द्वारका मंदिर एंड दिस इज पूरा द्वारका, यहाँ पे अच्छा खासा इस टाइम पे सेटअप लगता है, कैमल राइड्स वगैरह होती है बीच पर, बीच भी बहुत सुंदर होगा, मेरे को पूरा पक्का शोर हूँ। क्या सोच के बनाइए, कौन सा इंसान इसमें से निकलेगा? तो भाई सीन ऐसा है कि हमसे तो रुका नहीं गया, हम तो जा रहे हैं बीच की तरफ। कैमल राइड पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे 50 रुपए एक सवारी है, बट हमको कैमल पे नहीं जाना था, हमको ऐसे ही जाना था, तो हम ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि मेरे को पक्का आश्योर हूँ कि वहाँ से जो व्यू होने वाला है वो बहुत ज्यादा सुंदर होने वाला है। और अभी तो सनसेट का टाइम है, तो और ज्यादा मजा आ जाएगा, इसलिए मैं मिस नहीं करना चाहता। वैसे ये रेत पे सिर्फ रेत ही नहीं है, ऊंट की पॉटी और रेत दोनों है, इसका मिक्सचर है वो। क्रिकेट क्रिकेट खेलते होंगे, विकेट टाइप बना रखे हैं भाई। इतना साफ पानी है, मैं क्या बताऊं, इतना साफ पानी, ब्लू ब्लू पानी दिख रहा है यहाँ पे, मजा आ गया देख के। और वो जो दूर तुम लाइट्स दिख रही है अगर, तो वो है बोट, वो अब रात भर वहीं रहेंगी, उन्होंने जाल बिछा लिया अपना, रात भर मछुआरे मच्छी पकड़ेंगे और फिर आएंगे। और आएंगे अगर यहाँ से आप सीधा जाते हो तो पाकिस्तान ही आएगा। भाई ये व्यू देखने के बाद है ना, दिन भर की पूरी थकान मिट गई, पूरी अब एनर्जी एनर्जी भर चुकी है अंदर, ऐसा लग रहा है मतलब पानी में जाने वाला हूँ मैं, इतनी थकान में थे हम लोग, लेकिन यहाँ आके पूरी थकान मिट गई। इससे ज्यादा सुंदर बीच मैंने नहीं देखा अभी तक, तो बहुत बहुत अमेजिंग है यार, पानी भी साफ लग रहा है अगर। पानी का जो लेवल है वो अब वो धीरे धीरे राइज कर रहा है, अब पानी यहाँ तक आ रहा है हमारे पैरों तक, यहाँ तक सब लोग बाग आराम से बैठे हुए थे, बट अभी ऊपर आ रहा है। लाइट हाउस की लाइट जल चुकी है, मतलब कि अब गार्ड आएगा किसी भी टाइम और वो आके बोलेगा कि भाई अब जाओ, बट पानी का लेवल राइज तो कर रहा है, ये बात तो है। ऊपर तक आ जाता होगा अरे पानी, तो फिर तो आ जाओ आराम से, आता होगा पीछे तक, ये पानी आराम से पीछे तक आता होगा, इसलिए गार्ड वो कर रहा है, क्या बोलते हैं कि अब जाओ यहाँ से, पानी का लेवल राइज हो चुका है। बट ये लास्ट देख लो फिर हम चलते हैं, नीच हुई बाय। तो भाई बीच में जाने के फायदे तो हजार है, एक नुकसान में बता देता हूँ, पैरों का ये हाल होता रहता है, फिर आप बस मिट्टी भरे पैर लेके घूमते रहते हो। तो अभी हम लोग आए प्रसाद लेने, मेरी जो भी मंदिर में खाना वाना बनता है उसको प्रसाद ही बोलते हैं, तो वहाँ आए हम लोग, 20 रुपए की पर प्लेट होती है, और यहीं बैठ के हम खाएंगे, यहाँ नहीं खाते तो हम कहीं और बाहर जाके खाते, बट हमें लगा कि शायद ये बंद ना हो, एक बार चेक कर लेते क्या पता बंद ना हो, तो हमने ट्राई मारा और आ गए। यहाँ का सीन ऐसा है कि आपका जितना भी बॉडी का वेट है उतना आप दान कर सकते हो, और वो तोलना वगैरह से बंदर हो जाएगा, तो ये चीज बड़ी सही है, जिसको भी दान वान करना है पूरा अनाज, वो अनाज की बोरियां पेटियां पड़ी हैं सब चले। सर्विस है
कटोरी मेरे भी डाल देना प्लीज। कितना क्या Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. तो भाई 20 रुपए का खाना मिल रहा है, सही है, खाते हैं। और अब आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। हम लोगों ने रूम ले लिया तो वहाँ चले जाएंगे। अब बैटरी भी नहीं है, बिल्कुल खत्म होने वाली है बैटरी। सुबह से ब्लॉग कर रहा हूँ और चार्ज बिल्कुल भी नहीं करा, तो अब बैटरी खत्म हो जाएगी कभी भी। यहाँ पे अनलिमिटेड है, कितना भी खा सकते हैं। ओके तो ये अनलिमिटेड है, चलो बढ़िया है।